बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाबू के विवाद में बाबू को हवालात की हवा खानी पड़ गई। वहीं बाबू ने बीएसए पर अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। बीएसए और बाबू के इस झगड़े की चर्चाएं पूरे दिन सुर्खियों में रही। थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए दफ्तर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह और दिव्यांग वरिष्ठ लपिक सुभाष चंद्र यादव में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है और देखते ही देखते मामला कोतवाली पहुंच गया। बीएसए विजय प्रताप सिंह की शिकायत पर पुलिस वरिष्ठ लिपिक सुभाष चंद्र को थाने ले आई। लिपिक ने बीएसए पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं बीएसए विजय प्रताप ने उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है कि बीएसए ने थप्पड़ मार के और गिरा गिरा के मारा है। क्या पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल खबर निराधार है। इसमें ये जो बाबू हैं सुभाष यादव हमारे यहाँ लगभग दो महीने पहले निलंबित थे। इनके द्वारा कोई चार्ज संबंधित बाबू को नहीं दिया गया था। सारी फाइलें और सारे कागजात ये दबा कर रखे हुए थे। नए शिक्षकों का वेतन लगने की जो कार्रवाई है वो वर्तमान में चल रही है और हमको नए शिक्षकों द्वारा भी और संबंधित बाबुओं द्वारा भी आज ये संज्ञान में लाया गया कि इनके द्वारा कोई भी चार्ज नहीं दिया गया और सारा कार्य अभी भी इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं और CEO साहब को स्वयं मैंने फोन किया था। नहीं सर, ये बाबू जो नीलम में चल रहा था और फिर भी काम कर रहा था, कितने महीनों से काम कर रहा था लगातार? ये लगभग 9 या 11 फरवरी को ही निलंबित हुए थे और इनके द्वारा कोई चार्ज अब तक दिया नहीं गया। निलंबन होने के कारण था उस समय सर? दो बार इनको रिमाइंडर दिया गया। इनके जो शासकीय कार्य है इसमें भी लगातार इनके द्वारा बाधा होती है। सर, निलंबन का कारण क्या था? निलंबन के कई आरोप लगे थे इनके ऊपर, जैसे जो बटल का काम था उसमें इन्होंने से चिंता बरती थी। दो बार रेडी बेसिक साहब के निरीक्षण में ये उपस्थित पाए गए थे। इसके पूर्व भी इनके द्वारा कई कृत्य ऐसे किए गए थे जिनको निलंबित किया गया। बीएसए ने कहा कि बाबू निलंबन के बावजूद भी सरकारी कार्य में दखल दे रहे हैं। फिलहाल बीएसए और बाबू का यह विवाद पूरे दिन चर्चाओं का माहौल बना रहा। पूरे दिन विभाग में तमाम तरीके की चर्चाएं होती रहीं। किस विभाग में आप तैनात हैं? बीएसए ऑफिस। बीएसए ऑफिस कौन? वरिष्ठ लिपिक। अरे, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? कुछ नहीं, हम फाइलें ट्रांसफर कर बाबू से बात कर रहे थे, तब तक बीएसए आ गए। तुमने फाइलें क्यों नहीं दी अभी तक? तो मैंने कहा सर लिस्ट बन रही है, अभी मैं दे रहा हूँ उनको। किसी बात को गुस्सा हो गए। क्या उच्च अधिकारी ने आपसे मारपीट की है? हाँ, गाली गलौज की। ये मुंह में चोट कैसे लगी आपके? वो थप्पड़ मार दिया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ कहाँ पे ये कैसे आ गए? कौन? उच्च अधिकारियों ने क्या पुलिस को प्रशासन को सूचना दी? नहीं, पहले ही मारने पीटने लगे उन्होंने। थाने में कैसे आए? बी साहब ने बाद में पुलिस साहब उन्होंने बुलाया कि ये कारोबार दूसरे को नहीं दे रहे हैं। बीएसए ने खुद अधिकारी होकर आपको मारा है। अच्छा, कौन है बीएसए? विजय प्रताप सिंह। ये वीडियो मैंने अभी देखा है और इसमें एक बच्ची जो है वो कक्षा 3 या 4 की लग रही है, वो झाड़ू लगा रही है। इसकी समुचित हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये किस परिस्थिति में कराया गया इसको भी देखा जाएगा।